ये है एमजी की नई कॉमेट। हमने काफी तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक गाड़ियों में रिव्यू कर, बट ये इलेक्ट्रिक गाड़ी काफी डिफरेंट। ये इंडिया की सबसे सस्ती और सबसे छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी। काफी लोग सोच रहे होंगे आप नॉर्मल छोटी गाड़ी को रिप्लेस कर सकते हैं, इससे नहीं कर सकते। हम वो भी बताते हैं, मैं टेस्ट करके सारी चीजें। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे वो है इसकी चाबी। यहाँ पे एमजी लिख रखा है। पहला जो आईफोन था उसकी वाली फील दे रही है। एक मेटालिक ऐसा फ्रेम है, यहाँ पे अनलॉक है, लॉक बटन है, नहीं पीछे डिक्की होलने वाला, ऊपर आप इसे टांग के रख सकते हो। सबसे पहले भाई चटक ग्रीन कलर फ्रंट में, यहाँ पे भाई बड़ी सी एलईडी लगा रखी है, यहाँ पे छोटी छोटी दो लाइटें लगा रखी है, फिर एक और नीचे एक लाइट है, यहाँ पे चार्जिंग वाला पोर्ट है, और ये जो एमजी लिखा है इसमें भी लाइट जलती है। यहाँ पे फ्रंट कैमरे का बना हुआ है, बट एक्चुअली कैमरा है नहीं यहाँ पे। एक चीज और मैंने नोटिस करी भाई, ये वाला पार्ट पूरा ही प्लास्टिक बना हुआ है। लेफ्ट साइड ऑफ पूरी गाड़ी ऑलमोस्ट पूरी मेटल है। पूरी गाड़ी अगर आप बाहर से खाली देखोगे ना, आपको लगेगा खाली टू सीटर गाड़ी है, बट एक्चुअली इसके अंदर चार सीट है। इसका दरवाजा बहुत ही ज्यादा बड़ा है, गाड़ी समझ लो अगर इतनी बड़ी है तो दरवाजा ऑलमोस्ट भाई इतना बड़ा। हैंडल भी काफी इंटरेस्टिंग ज्यादा बाहर टाइप नहीं निकल रहा है, यहाँ पे साइड में यहाँ पे एक बटन भी है रिक्वेस्ट सेंसर के लिए, इसको दबा के आप खोल सकते हो। बढ़िया मस्त लगा। स्कूटी का टायर होता है उसके बराबर इसका टायर है भाई। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, मतलब पूरी इलेक्ट्रिक गाड़ी है। बैक साइड में भी एमजी का लोगो है, नीचे कॉमेट लिखा हुआ है। इंटरनेट इनसाइड, वाईफाई आउटसाइड नहीं है, 4G सिम लगती है अंदर। बट बैक साइड में भी लाइट वाइट इंटरेस्टिंग, यहाँ पे पूरी लाइट लगा रखी है, यहाँ पे दो लाइट है, यहाँ पे दो लाइट है, नीचे की साइड पे ये दो रिफ्लेक्टर लगा रखे हैं, और यहाँ पे ईवी लिख रखा है, यहाँ पे एक छोटा सा कैमरा भी लगा रखा है। लेफ्ट साइड भी सेम ही है, ऊपर की साइड पे भी सनरूफ है, नहीं तो आपका वाटरफॉल में ले जाने को दिक्कत नहीं आई। मैंने इससे बता दी कि एमजी की पहली गाड़ी है इसके अंदर सनरूफ नहीं है। ओह माय गॉड भाई डिक्की, अरे भाई ये किस पे बैठ गया? आपको लग रहा होगा भाई क्या डिक्की दिखा रहा है, नहीं भाई मैं सीट पर बैठने जा रहा था, यहीं से ऐसे आप लेट गया। अरे फंस गया, अरे गाड़ी कैसे चल रही आगे? मतलब बस ये चार्जर के लिए, और लड़कियों का हैंडबैग वैंडबैग छोटा वाला डाल लो वो तो डाल सकते हो। बैक साइड में अगर आपको सामान रखना है तो इसको यहाँ पे ऐसे करके सामान रख सकते हो, बस फिर दो ही बंदे बैठ पाएंगे। एक अगर जैसे मैं बोनट खोलूँ ना, तो एक चीज और मैं नोटिस करी, इसका भी स्टैंड है पहली चीज तो, मतलब शुरू होते ही खत्म हो गया। ये बैटरी वैटरी भी चेंज करानी है तो वो भी आपको कंपनी से करानी पड़ेगी, आप खुद नहीं कर सकते। यहाँ पे चार्जिंग वाला पोर्ट है, यहाँ पे चार्जिंग आप लगा सकते हो। ये ऐसा फील होता है ऐसा अपना एक्सटेंशन वाला बॉक्स नहीं होता, वैसी टाइप ये फील दे रहा है। और इसको जो आपका नॉर्मल पावर वाला सॉकेट होता है आप उसमें लगा सकते हो, ये देखो ऐसा वाला टाइप है। बट इसमें एक चीज मैंने नोटिस करिए, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। तो यूजुअली जितने भी चार्जिंग स्टेशन होते हैं वो फास्ट चार्जिंग स्टेशन होते हैं, वहां पे जाके आप इसको चार्ज नहीं कर सकते, आप इसको बस अपने घर पे चार्ज कर सकते हो। कहीं रेस्टोरेंट में या होटल में आप नॉर्मल सॉकेट से इसको चार्ज कर सकते हैं, तो वो बेस्ट आउटपुट रहेगा। भाई गाड़ी के अंदर IP67 रेटिंग भी दे रखी है, तो आप बारिश वारिश में चला सकते हो। इसमें यहाँ की साइड भी लाइट लगा रखी है, फ्रंट में भी दिखेगा, और यहाँ पे भी एक छोटी सी लाइट है ताकि पीछे से भी अगर कोई आ रहा है तो उसको भी पीछे से दिखता रहेगा। है वैसे बहुत ज्यादा छोटी, बट एक्चुअली अगर आप गेट खोलोगे तो काफी ज्यादा स्पेशियस फील होती है, बैठ के पता नहीं चलता कि भाई छोटी गाड़ी है। याली सीट है इसमें, अगर आपको बैठना है तो इसको ऐसे अच्छे से कर लो और इसको आगे कर लो। पीछे अगर आप बैठोगे तो मतलब साइड में आप शीशा ईशा नहीं खोल सकते, आपको फ्रंट वाले से हवा लेनी पड़ेगी। एक्चुअली मैं काफी सरप्राइज हूँ कि वैसे है तो छोटी गाड़ी, बट मेरी टांगे भी आ जा रही है भाई। हेडरूम मतलब ठीक है, मतलब अगर आप हल्का सा उछले तो लगेगी, बट कंफर्टेबल है। जैसे मैं हल्का भी ऐसे मार रहा हूँ ना तो ऐसे दब रहा है भाई। अब आ गया असली टाइम भाई, भाई गाना चल गया। इस प्राइस पॉइंट पे इससे बेटर आवाज आ जाती है, बट ठीक है। जैसे यूजुअली होता क्या है कि गाड़ियों में ना बीच में ऐसा डिवाइडर टाइप होता है ताकि पैसेंजर वाला बंदा पैर ना मार पाए, तो इसमें साथ वाला बंदा पेडल मार सकता है। भाई ये क्या मजाक है, मेरा गेट जितना दूर है उतना दूसरा गेट है। भाई देखो मैं यहाँ तक भी पहुंच सकता हूँ, सब कुछ अपने कंट्रोल में यार। यहाँ पे नीचे की साइड पे चार्जिंग वाले पोर्ट है, यहाँ पे पन्नी वन्नी लटकाने वाले, यहाँ इन सब की मेरे को ना क्वालिटी अच्छी लगी। इस प्राइस पॉइंट की गाड़ियों में इस टाइप की क्वालिटी नहीं होती, वो थोड़ी सस्ती क्वालिटी होती है। भाई एक चीज मैंने और छोटी सी नोटिस करी, रियर व्यू मिरर के पीछे भी USB है। यहाँ पे भी एक वाला प्लास्टिक है, बट मटीरियल सही सा लग रहा है, लेदर की थोड़ी सी फिनिश है, कपड़ा टाइप दे रखा है ना, ये भी PVC है तो ये भी धुल जाएगा। बट जो AC के वेंट वेंट भी है, छोटी छोटी चीजें, ये सारी चीजें ऐसी है, मतलब दिखने में सुंदर और टच करने में अच्छी सी लगती है। मैं तो बोलूंगा भाई अब से जितनी गाड़ियां सब में बीच वाला हटाई दो। यहाँ पे आपको लग रहा है ये कैसे खाली कर पाते हैं, बाकी सारी गाड़ियों में क्यों नहीं होता, वहाँ पे गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन लगता है तो इसमें तो गियर है। जो स्क्रीन है वो पूरी H2 है, जहां से फ्रंट में पूरी स्क्रीन ही स्क्रीन है। MG गाड़ियों में जिन लोगों को पता है नहीं पता, फीचर भर के डाल दिए जाते हैं, और ये सेम इसमें भी है। क्लॉक बन रखी है, FM रेडियो, नो म्यूजिक, यहाँ पे ऊपर करो फोन भी खुल जाएगा, एंड एप्पल कारप्ले भी खुलता है। इस प्राइस पॉइंट में भाई वायरलेस कारप्ले किसी मतलब गाड़ी में नहीं मिलता, तो ये बहुत रेयर चीज है। ऐसे इसको टैबलेट वाली फील आती है, ऐसे इसको ऐसे पकड़ो यहाँ पे ड्रैग हो जाता है, यहाँ पे विडजेट की तरह जैसे फोन में होता है, तो यहाँ पे भाई मेन्यू खुल जाता है पूरा अपना, यहाँ पे ऐप ड्रॉअर की तरह इसको स्वाइप करो। AC की सारी सेटिंग यहीं से हो जाती है, आगे पीछे करना है भाई, उसके बाद अपना मीडिया वीडिया का भी, अपने गाने वाने चलाने, MG का लोगो आ रहा है यहाँ पे, कनेक्ट कर लिया, ब्लूटूथ म्यूजिक चला लिया, ओहो मजा आ गया भाई। गाड़ी की भी अंदर की चीजें भी चेंज हो जाती है, बाहर की चेंज भी, भाई ड्राइविंग मोड भी यहीं से चेंज हो जाता है।
एनर्जी जो रीजन होता है ना, गाड़ी ना अपने आप थोड़ा सा ब्रेक करती है। अगर आप अपने पास में आते हो तो अपने आप ऑटोमेटिकली अनलॉक होगा नहीं होगा। ये जो शुरू में आईपॉड आता था ना वैसे वाली फील दे रहा, बटन है नहीं, इससे कुछ होता नहीं। यहाँ पे एक बटन है, इससे भाई ड्राइविंग मोड वोड चेंज होता है। ड्राइविंग वाला यहाँ से कुछ बोल लो। आई एम लिसनिंग। टर्न ऑन एसी टेम्परेचर। इट इज करंटली इन द सेटिंग यू रिक्वेस्ट। ओके मैडम थैंक्स। इसमें जैसे ये वाला जो बटन है इसका भी आप फंक्शन सेट कर सकते हो कि इसमें भी भाई कॉल के लिए करना है, म्यूट के लिए करना है, म्यूजिक के लिए करना है या व्हीकल की सेटिंग के लिए करना है। ये छोटी छोटी चीजें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बचा रहा हमने, कितना बचाया। जितना बचाओगे ना उतना ये पेड़ बढ़ता रहता है, धीरे धीरे दिखाता है। यार अच्छी चीज है मेरे ख्याल से भाई, एनवायरमेंट का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पे 4G लिखा हुआ है, ये इसके अंदर एक्चुअली सिम डली हुई है। इसमें सारी चीजें बताता रहता है, जैसे ये वाला है ना तो इसमें डिक्कियां भी खुली है तो डिक्कियां बता रहा है। जैसे अगर मैं हेडलाइट जलाई तो देखो सामने हेडलाइट का आ रहा है, ठीक है। इंडिकेटर दिया तो इंडिकेटर आ रहा है दोनों। जैसे हैजर्ड लाइट अगर मैं चलाऊंगा तो वो आने लगे, देखो यहाँ पे भी ये भी आ रहा है। भाई गेट भी अगर आप खोलोगे ना तो गेट खोल के भी काफी इंटरेस्टिंग सा दिखता है। यूजुअली गाड़ी में होता है जहां तक सीट आती है ना यहाँ तक गेट बंद हो जाता, खत्म हो जाता है। इसका गाड़ी क्योंकि पीछे भी बंदे को बैठना है तो इसलिए काफी बड़ा सा गेट है। आपको खोलने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है, खुलते टाइम आपको देखना पड़ेगा क्योंकि पीछे वालों को अंदाज नहीं लगेगा। आते आते तार तक भाई आर यू रेडी। यहाँ पे गियर वाली नॉब है तो यहाँ पे रिवर्स में भी डाल सकते हैं और हम ड्राइव पे कर देंगे। ब्रेक मार के ऑन हो जाती है गाड़ी, कोई ऑन ऑफ बटन नहीं है। ये मेरे को बहुत वियर्ड लगा भाई, चल गई गाड़ी भाई, फरारी कर देंगे। ठीक है भाई 20 की स्पीड तक तो चल रही है, पिकअप तो डिसेंट है। बट ऐसा है कि जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी में होता है कि ऑटोमेटिकली जैसे आप छोड़ते हो ना पेट्रोल तो रीजनरेट टाइप करने लगता है। भाई इसमें एक चीज सही है, देख आसपास ना सब देखते हुए निकलता है, ये मेरे को पसंद आया। अंदर बैठ के नहीं पता चलता, छोटी सी गाड़ी अंदर बैठ के बड़ी सी लगती है। 30 की स्पीड में चला रहे हैं, मेरे को कंफर्टेबल लग रही है, मेरे को ना मजा आ रहा है चलाने में। इको मोड पे चला रहे हैं अभी, मैंने ज्यादा फुल पावर भी नहीं दी। यू टर्न मार लेते हैं भाई, टर्निंग भी सही है भाई, स्टीयरिंग भी अपना लाइट है, हल्की गाड़ी है तो ऐसे कोई दिक्कत भी नहीं है। तीन मोड है, एक इको है, एक अभी हमने डाल दिया नॉर्मल, स्पोर्ट्स मोड पे चलाते हैं। आर यू रेडी 1 2 3। वो ये भाई सलाम, भाई सलाम। ओ वो एकदम ही ऐसा कुछ पिकअप तो नहीं है बट 50 की स्पीड में भी सही चल रही है, कंफर्टेबल है गाड़ी, मजा आ रहा है चलाने में। ओ भाई स्पीड ब्रेकर आ गया, स्पीड ब्रेकर से डर के रहना पड़ता है। ओ भाई अगर मैंने ज्यादा तेज चला दी ना स्पीड ब्रेकर पे तो गाड़ी के मजा आ जाता है। देखो अभी हमने कितना चलाई यार, 1 किलोमीटर भी नहीं चली, 24% हो गया इस पे। अब देख लेते हैं कितना पहुंच गई, 80 पे थोड़ा सा हवाई जहाज वाली फील आती है। ओ चल गई भाई, टेयरिंग वेयरिंग तो सही है। एक उंगली से यू टर्न मार के दिखाता हूँ। वो 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 यू टर्न मार लिया, फिर वापस यू टर्न मार लिया भाई, सही है। 77 पे भी स्मूथ चल रही है गाड़ी, बट थोड़ा स्वे करती है भाई गाड़ी है। बॉडी रोल इस गाड़ी में बहुत ज्यादा है, इसमें मेरे को एक चीज फील हुई, टायर ना छोटे होते हैं तो स्पीड ब्रेकर पे ना थोड़ा ज्यादा बाउंस मार देती है और थोड़ी हालत टाइट हो जाती है। देखो जैसे मैं हॉर्न मार रहा हूँ ऐसा लग रहा है मैं अंदर ही हॉर्न मार रहा हूँ, गाड़ी की सारी चीजें बंद। मेरे को जब मैं एक्चुअली बैठा था तो मेरे को लगा था कि भाई छोटी सी गाड़ी है, मतलब पता नहीं मैं चलाने में मजा नहीं आएगा, बट चलाने में फील है भाई। अब आ गया प्रो ड्राइवर भाई, कैसा लग रहा है? तो बहुत ही स्मूथ, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, पूरा पास का दिख रहा है, मतलब ओवर प्राइस्ड है पर चलाने में मजा आ रहा है। इसको ना कहीं पे भी पार्क कर सकते हो भाई, देखो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ना बहुत छुटकी सी जगह है, इसमें आ जाएगी फिट। आ जा भाई कर दो पार्क, इसी में कर दो। वाह क्या मजाक नहीं आ भाई, इसमें ऐसी दो गाड़ियां और आ सकती थी साइड में, अगर ऐसे ऐसे करे तो दो आ जाएंगे। मैं एकदम सही सही बताता हूँ, मैं जब इस गाड़ी को चला रहा था ना, ये ऐसा नहीं लगा कि मतलब ये एक नॉर्मल गाड़ी को रिप्लेस करने के लिए इस गाड़ी को बनाया गया। और मतलब अगर आपके पास एक दो गाड़ियां हैं और आपको एक बहुत ही छोटी गाड़ी चाहिए ट्रैफिक वाफिक में घुमाने के लिए, तो ये डेफिनेटली मेरे को एक इंटरेस्टिंग गाड़ी लगी। अंदर से काफी अच्छी फील ये प्रोवाइड करती है और जितने फीचर्स हैं वो डेफिनेटली महंगी गाड़ियों से कंपेरेबल है। बट अगर आप अपनी रेगुलर गाड़ी को इससे रिप्लेस करने की सोच रहे हो तो नहीं है। इस वाली गाड़ी का प्राइस स्टार्ट हो रहा है 8 लाख रुपए से, और 1 लाख रुपए अगर आप और ऊपर डालोगे तो आपको एक्चुअली एक पूरी कंप्लीट 4 सीटर गाड़ी इलेक्ट्रिक देखने के लिए मिल जाएगी। और काफी सारी छोटी छोटी चीजें जैसे डिक्की ना होना, बैटरी आप खुद नहीं चेंज कर पाओगे, फिर उसका 4 गेट नहीं है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा एडअप हो जाती है। हाईवे पे अगर आप चलाते हो 50-60 की स्पीड पे सही कंफर्टेबल चल पाते। इस गाड़ी की रेंज एक्चुअल 250 बोली जाती है, बट 150 के अराउंड ये चल पाती है फुल चार्ज पे, जितना हमने चलाया। और 150 किलोमीटर इज लाइक डिसेंट, 4-5 दिन अपना ऑफिस अप एंड डाउन कर सकते हो अगर 20 किलोमीटर दूर है। और चार्जिंग टाइम क्योंकि फास्ट चार्जिंग नहीं है तो 7 से 9 घंटे आपको लग सकते हैं।